सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो ये वीडियो मैं बहुत रैंडमली रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहला ऐसा वीडियो होगा जो बिना किसी स्क्रिप्ट के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ। फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनिटाइज हो गया। सो मैं सोच रही थी कि परसों वीडियो बनाऊँ, फिर सोचा मैं कल वीडियो बनाऊँ, बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला है तो सोचा कि मैं आज ये न्यूज़ आपको दूँ कि फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। सो यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि दो क्राइटेरिया मैंडेटरी रहते हैं, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम। तो जब मेरे दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए थे, इवन मेरे 1,000 से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स थे, और वॉच टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 4,000 घंटे से ज़्यादा का ही वॉच टाइम था। सो मैंने जब अप्लाई करा, मैंने 4 दिन पहले अप्लाई किया था। तो अब मैं साथ में जॉब भी करती हूँ, यूट्यूब भी करती हूँ, मैं साथ में जॉब भी करती हूँ। सो मैंने मेरी जॉब में जो मैं करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट रहती है। सो अप्लाई किया मैंने इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे, और वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे लिखा था कि 1 महीने वो लोग जो चैनल को है रिव्यू करेंगे, उसके बाद वो लोग अप्रूवल देंगे कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो वहाँ पे मेंशन थी कि हाँ 1 महीने वो लोग रिव्यू के लिए लेंगे। तो मैंने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद मैं अपनी एज़ यूजुअल जो मेरी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है कि मैं जॉब पर चली गई, और मैं जब मॉर्निंग में जब मेरी जॉब कंप्लीट हुई तो मैं सो गई थी, और आफ्टरनून में जब मैं उठी तो इवन उन लोगों ने 1 महीने का भी नहीं, 1 दिन का टाइम लिया और मेरा चैनल अप्रूव हो कर दिया कि हाँ अब आप अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज कर सकते हो। उसके बाद ये सब ठीक है, ये सब डन हो गया। उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैंने अपने वीडियोज़ पर ऐड लगाए, वही सेम रहा कि मैं अगले दिन इवनिंग में मैंने एड्स लगाए मोनेटाइजेशन करने के बाद। सो वही चीज़, मैं एज यूजुअल जॉब पे गई, जॉब मेरी सुबह कंप्लीट हुई, और आफ्टरनून में जब मैं उठी तो मेरी हर वीडियो के पीछे मतलब डॉलर बना था, हर वीडियो के आगे डॉलर बना था। सो इसका सीधा मतलब ये कि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है और आगे मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगी, इवन ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो से भी मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ। मतलब इतनी जो मैंने मेहनत करी है, वर्थ इट, मतलब हाँ इसका मुझे फ़ायदा मिला है। बट ये दिस इज़ नॉट इट, सिर्फ इतना इतना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने 5 महीने मेहनत करी, 6 महीने मेहनत करी, ये 10-12 वीडियो डाली, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट इट। मेरा इसके पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, मैंने सब कुछ ट्राई करा, मैंने ओमेगल की वीडियोस भी ट्राई करी, मैंने रिएक्शन वीडियोस भी ट्राई करी, इवन मैंने गेमिंग की वीडियोस भी ट्राई करी, बट मेरा कॉलेज रहता था और मेरा कॉलेज रहता था, मेरी जॉब रहती थी, तो मैं साथ में मैनेज नहीं कर पाती थी। मेरी इवनिंग की जॉब रहती थी, इवनिंग में मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो इवनिंग में मेरी जॉब रहती थी और मॉर्निंग में मैं कॉलेज जाती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो उस चैनल पर भी मेरी समथिंग 200 से 300 सब्सक्राइबर्स थे, अब तो शायद कम भी हो गए होंगे, बट वो चैनल अब मेरे पास नहीं है। मैं पहले उस पर वीडियोज़ डालती थी, बट मैंने समथिंग समाओ मैंने सोचा कि चलो मैं गैप ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं मैनेज कर पाती थी सारी चीज़ें, तो मैंने गैप ली। उसके बाद कुछ टाइम बाद सोचा कि चलो मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ यूट्यूब, वो चैनल मेरे पास नहीं था। अब वो चैनल मेरे पास क्यों नहीं था, उसकी एक अलग स्टोरी, वो मैं आप लोग को कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी जब मैं उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करूँगी। तो अब मैंने सोचा कि यार शिट, 300 सब्सक्राइबर्स जो कि मैंने 4 महीने 5 महीने में करे थे, वो चैनल मेरा मेरे पास से जा चुका था। सो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, या तो मैं एक नया चैनल बनाऊँ और उस पर एक नए कंटेंट के साथ, या जो चीज़ लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊँ, नई वीडियो डालूँ। तो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत टाइम लिया, सोचा समझा कि मुझे सबसे पहले तो टाइम मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी 2 चीज़ें कर दी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं 8 घंटे सोती हूँ, मैं 6 घंटे सोऊंगी, और कॉलेज में थोड़ा कम कम जाऊँगी, हफ्ते में 1 दिन, या मतलब 1 दिन कॉलेज नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहीं ना समथिंग समाओ मैंने अपना टाइम मैनेज करा, और सिर्फ 7 महीने, लास्ट ईयर मैंने स्टार्टिंग करी थी यूट्यूब की। हाँ मैंने 7 महीने मैथ कर, लेकिन हाँ मैंने टाइम निकाला, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। यस, मैंने टाइम निकाला, और फिर उसके बाद मेरा क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हुआ। इसके पहले इवन मैंने यही चैनल को एक बार और अप्रूवल के लिए डाला था, बट रिप्लाई में कोई मेल नहीं आया था। वो बात को कम समथिंग 1 महीना हो गया, मैं सोचा चलो इस बार मेरा जब क्राइटेरिया कंप्लीट होने से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, जब ये दोनों क्राइटेरिया से ज़्यादा ही जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब ज़्यादा होगा तभी मैं मोनेटाइजेशन के लिए डालूंगी। तो जब मेरे दोनों रिक्वायरमेंट, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, उससे जब ज़्यादा ही मेरा क्राइटेरिया हुआ, तो हाँ मैंने मोनेटाइजेशन के लिए डाला, और वो मेल इतनी सेटिस्फाइंग मेल थी, जो मतलब जो मेल आई थी
कि आप YouTube पार्टनरशिप बहुत प्यारी मिलती, मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज़ इट, मैं यही है मेरी YouTube की जर्नी अभी तक की। सो फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। सो यस, चलो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, आप चैनल पर रेगुलर वीडियोज आएगी और यस, और बस दैट्स इट। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।